ना 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 ना, इसको तोड़ना नहीं है। 2023 आ गया, 2023 के साथ अपनी कुछ आदतें भी चेंज करनी है। और इंसान जब से पैदा हुआ है, अगर खुद को संवारने की कोशिश की है उसने, तो बेहतर से बेहतरीन की तरफ गया। और अगर खुद को बिगाड़ने की कोशिश तो खैर नहीं की जाती, मगर जब आप कोई एक काम गलत या उल्टा कर लेते हैं तो उसको छुपाने के लिए आपको बहुत सारे मजीद और गलत काम करने पड़ते हैं। तो इसी सिलसिला में आपका जो है ना, वो एक नेटवर्क गलत कामों का एक डिवेल्प हो जाता है। और फिर एक दर एक और इंसान जो है ना, अगर अच्छाई के कामों में है तो अच्छाई की तरफ बढ़ता जाता है, बुराई के कामों में है तो बुराई की तरफ बढ़ता जाता है। दिस इज सेम लाइक एज कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट में आपकी जो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। अगर आप अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारी नई मंजिलें खुल रही होती हैं, आपका इस्तकबाल करने के लिए रास्ते आपका साथ देते हैं। और जब आप किसी गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं वो आपको सपोर्ट कर रही होती हैं। आपका वास्ता भी वैसे लोगों से पड़ रहा होता है। जो दिसंबर 2022 ख़त्म हो गया और ये एक नई सुबह 1 जनवरी 2023 है। तरीक के साथ साथ इंसान को अपने रवैये में भी थोड़ी तब्दीली लेके आनी चाहिए। और उसका, मेरे ख्याल में, उसका आगाज़ खुद से करना चाहिए। खुद से करना चाहिए सबसे पहले। आपकी इनफरादी लेवल पे कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, फिर उसके बाद घरेलू लेवल पे होती हैं, फिर आपकी गली मोहल्ला, और आपका फिर शहर, सूबा और मुल्क, और फिर दुनिया को आप सेट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें तो, अच्छी बातें तो हम सब जानते हैं, हम कर भी लेते हैं। यहाँ पे डिस्कस करने का और ये एक और भी थोड़ा वो फ़ायदा ये हो जाता है कि एक 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 छोटा सा एक एविडेंस प्रूफ रह जाता है, और जिसे आप मेमोराइज नेक्स्ट कर सकते हैं अपने खुद के अंदर तब्दीलियाँ जब लेके आते हैं तो उसके बाद। और सेकंडली है, आप जो है ना वो यहाँ पे विटनेस भी बना लेते हैं बहुत सारे लोगों को। और फिर आपकी मजबूरी भी बन जाती है कि आप जो है ना वो चीज़ों को किसी ना किसी हद तक अपने लिए फेवरेबल बनाएं, क्योंकि 100% तो मेरे ख्याल में लोग हैं भी जो कर लेते हैं, मगर मुश्किल हो जाता है खुद को चेंज करना और सब। लेकिन टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक आप जो है ना वो एक अच्छा चेंज लेके आ सकते हैं खुद में। रोज़ की तरह आज फिर मामूल यही है, बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खेली जाएगी। तो आज मैं ज़रा अर्ली पहुँच आया हूँ और दोस्तों का इंतज़ार हो रहा है, दोस्त अभी तक पहुँचे नहीं हैं। तो मैंने सोचा कुछ अच्छी चीज़ों से सुबह का आगाज़ कर लिया जाए और शेयर कर ली जाए। वैसे तो ये चीज़ें, जब इन्होंने आना है तो ये गेट से एंटर होंगे और उसके बाद ये कैसेट बंद कर देंगे हम, बातों की कैसेट, और फिर इसको दिन में टाइम निकाल के एडिट करेंगे और इसको एक अच्छी फॉर्म में अपलोड कर दिया जाएगा, जो फिर आप बाद में इसे देखेंगे। इससे अच्छी अच्छी बातें, सुनहरी अल्फाज किताबों में लिखे पड़ी हैं, सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म हर जगह पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं। मकसद होता है आपका खुद को अपने इनफरादी लेवल के ऊपर ना खुद को सेट करने का। इधर से आ जाए, डन, दोस्त आ गए, उन्होंने इशारा कर दिया है, और यहाँ से मैं अब पहुँचूँगा। उमर भाई दरवाज़ा खोलेंगे और फिर गेम स्टार्ट कर। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, ढा दे जो कुछ रहंदा, एक बंदे दा दिल ना डामी रब दिलां विच रहंदा। बाबा बुल्ले शाह ने क्या खूब फरमाया है। और इसके साथ अपने दोस्तों के साथ इंशाल्लाह 2023 का आगाज़ कर रहे हैं। ये है कि पिछले साल इन्होंने